आज हम डिस्कस करेंगे गर्दन के टॉपिक पर, यानी नेक के टॉपिक पर। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि जो गर्दन है, जो हमारा जो हमारे जो नेक का जो हिस्सा है, वो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे शरीर का, क्योंकि वो हमारे सर के एरिया को और हमारे धड़ को, यानी कि हमारी शोल्डर से नीचे के शरीर को कनेक्ट करता है। इसीलिए इसका पेन या इसका डिस्कम्फर्ट या यहाँ पर किसी भी किस्म की अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना आपको वो प्रॉब्लम नेक की प्रॉब्लम हेड तक जा सकती है या शोल्डर तक जा सकती है। तो अब हम समझेंगे कि नेक में किस किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि नेक इज़ मेड अप ऑफ व्हाट स्ट्रक्चर्स। अगर हम हमारे नेक को ठीक से समझ पाएँ, अगर उसके स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से डेप्थ में देख कर समझ पाएँ, उसकी मसल फंक्शंस को समझ कर पाएँ, तो उसको पेन में उसको हेल्प करना या पेन उसका कम करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर स्पाइनी, जो हमारे मॉडल है, जो हमको मदद करेंगे हमारे गर्दन के स्ट्रक्चर्स को समझने में। तो यहाँ पर आप इमेजिन करें कि ये हमारा, जैसे मैंने बताया कि जो गर्दन का हिस्सा है वो हमारे स्कल, हमारे चेहरे को और हमारे धड़ को, यानी कि हमारे शरीर को कनेक्ट करता है। तो ये अगर स्कल का एरिया है, जो फेस है, उनके नीचे हमारे 7 गर्दन के मनके होते हैं। तो ये हमारे मनके का आगे का हिस्सा हुआ, जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मनकों से गर्दन का हिस्सा बनता है, और वो गर्दन के मनकों के बीच जो होता है उसे कहते हैं गादी, जिसे हम डिस्क कहते हैं। तो अब हमने देखा कि गर्दन में 7 मनके हैं, 7 मनकों के बीच में गादियाँ हैं, 7 गादियाँ हैं। उनके अलावा नर्व्स हैं जो स्पर्श का एहसास देती है, यानी कि टच का सेंसेशन जो हम फील करते हैं। नस के अलावा आर्टरीज होती हैं। अब अक्सर ये होता है कि हम लोगों को लगता है कि नस यानी कि एक ही स्ट्रक्चर है, जबकि ऐसा नहीं है। इस बात को आप समझें अच्छी तरह से कि येलो स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं वो नर्व्स हैं, और जो रेड स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं वो आर्टरीज हैं। नर्व्स और आर्टरीज को एक कॉमन नाम से हम जानते हैं, पहचानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो है नस। तो इस चीज़ को अगर आप समझें तो आपको अपनी खुद की गर्दन और या अगर आपको पेन है वो समझने में बहुत आसानी होगी। तो नर्व जो है वो स्पर्श का काम करती है, और आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई का काम करती हैं। तो ये जो येलो नर्व्स हैं ये आपके मनकों को भी सप्लाई करती हैं सेंसेशन, आपके मसल्स को भी सप्लाई करती हैं, आपके स्किन को भी सप्लाई करती हैं। ये दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब हमें पेन होता है, हम एज अ पेशेंट हम ये बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये पेन कहाँ से आ रहा है। ये नस के दबने से आ रहा है, यानी कि नर्व के दबने से आ रहा है, या ये आर्टरी के दबने से आ रहा है। लेकिन अगर आर्टरी के ऊपर प्रेशर आता है तो हम लोगों को झुनझुनाहट महसूस होगी। ये एक फैक्टर है, ये एक चीज़ है जो हमें डिस्टिंग्विश करने में मदद कर सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको अगर झुनझुन लगे, या आपको अगर झनझनाहट लगे, या इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कुछ चीज़ लगे, तो वो आर्टरी ही हो। अब हम देखते हैं कि गर्दन की आसपास की मसल्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं, वो क्या काम करती हैं। तो नेक की जो मसल्स होती हैं, ये आप समझ लें अंदाजे से कुछ 8 या 10 मसल्स हैं हमारे गर्दन के आसपास, एक ब्रेस का काम करती हैं। ब्रेस का काम यानी कि एक बेल्ट का काम करती हैं, वो ही बेल्ट का काम आपकी मसल्स करती हैं। तो इनका ना ही मजबूत होना ज़रूरी है, बल्कि इनका बैलेंस्ड रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि गर्दन के दोनों तरफ हमारे पास मसल्स हैं। इन मसल्स का बैलेंस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरह की मसल अगर टाइट हो जाती है या उसमें पेन होने लगता है, तो इमिजिएटली उसका असर जो है हमें लेफ्ट गर्दन की तरफ भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया है कि गर्दन के स्ट्रक्चर्स किस अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, कुदरत ने हमने हमारी गर्दन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। हम अभी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज देखेंगे, उनमें अलग अलग किस्म के वेरिएशंस देखेंगे, जहां पर आप अपनी नेक मूवमेंट्स को समझें और उन्हें रेगुलरली करें। अगर पेन हो तो आप पेन को कंट्रोल कर सकते हैं वो मूवमेंट्स को करके, और अगर पेन ना हो तो भी किसी भी किस्म की नेक एक्सरसाइज या मूवमेंट आपको सिर्फ फ़ायदा ही देगी। आज हमारे साथ है निदा,
जो हमें मदद करेंगी नेक एक्सरसाइजेस सीखने में। कम निदा, यू आर वेलकम। आइए, नेक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने के पहले ये ज़रूरी है कि आपका जो फुल बॉडी का पोस्चर है वो कंफर्टेबल रहे, पहला। दूसरा, सही तरीके में बैलेंस रहे। तो चलिए आज हम सबसे पहला वेरिएशन देखते हैं नेक एक्सरसाइजेस का। सबसे पहला वेरिएशन है फ्री मूवमेंट, यानी कि एक्टिव मूवमेंट्स, यानी जो हम खुद अपने आप से कर सकते हैं, और ग्रेविटेशनल पुल जो है वो हमें थोड़ा सा मदद करता है ये एक्सरसाइजेस करने में। टोटली 3-4 एक्सरसाइजेस है, मैं आपको निदा के ऊपर करके बताऊंगी और फिर वो खुद करेंगे। चलिए, सबसे पहले मूवमेंट है जो है हम नीचे की तरफ बेंड करेंगे, जिसे हम फ्लेक्शन कहते हैं, जहाँ पर आपकी चिन आपके चेस्ट के करीब जाती है, और फिर धीरे से हम ऊपर देखेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल प्लेन मूवमेंट है अप एंड डाउन की। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको पेन है, आज निदा ये मूवमेंट कर पा रही है क्योंकि इसे नेक पेन नहीं है। यदि आपको नेक पेन है तो हो सकता है कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही आप मूवमेंट कर पाए, उससे ज़्यादा बॉडी को पुश करके नीचे तक ना ले जाइए। अपनी बॉडी को, अपने शरीर को थोड़ा सा टाइम दीजिए। जैसे जैसे आप डेली एक्सरसाइजेस करेंगे, दिन में एक बार, दो बार, एक हफ्ते तक जब आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपकी नेक की मूवमेंट्स को आदत हो जाएगी, दे विल गेट यूज टू इट, एंड देन ये मूवमेंट आप फ्रीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये रही आपकी फर्स्ट वेरिएशन। आप नीचे देखेंगे और फिर ऊपर देखेंगे कंफर्टेबली, अवेलेबल रेंज में, जो रेंज पेन फ्री रेंज है उस रेंज में। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन वी स्लोली गो डाउन। 1, 2, 3, 4, 5 ये एक रेपिटेशन हुआ। फिर जब आप यहाँ से शुरू करके आप यहाँ ख़त्म करते हैं और सेंटर में आ जाते हैं, वो है 2। अक्सर हम एक्सरसाइज करते वक्त भूल जाते हैं, यानी गर्दन की एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो शोल्डर कैसा है, बटक्स कैसे हैं, कमर कैसी है, ये सारी चीज़ों का संतुलन जो है हम मिस कर जाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है ये समझें कि नेक की मूवमेंट्स करने में आपकी फुल बॉडी का संतुलन बना रहे। ये हो गई फर्स्ट वेरिएशन। अब हम देखते हैं सेकेंड वेरिएशन। नेक की एक मूवमेंट थी अप एंड डाउन, सेकेंड मूवमेंट है राइट एंड लेफ्ट। अब इस मूवमेंट में भी यही बात लागू होती है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने तक आपको पेन हो सकता है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो आप अपनी बॉडी को समझें, उसे उसके इशारों को पिकअप करें, और अगर पेन हो तो वहां रुक जाएं, यहां पेन है यहां रुक के फिर सेंटर में आ जाएं। धीरे से अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को थोड़ा वक्त दें, घाई घाई में एक्सरसाइज ना करें, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। नेक की दो मूवमेंट्स हम देख चुके हैं जो हमारी एक्टिव मूवमेंट्स हैं। फर्स्ट थी अप एंड डाउन, सेकेंड थी लेफ्ट एंड राइट। थर्ड मूवमेंट को हम देखेंगे जिसमें हम अपने ईयर्स को शोल्डर की तरफ ले जाएंगे और ऑपोजिट साइड पे हम स्ट्रेच फील करेंगे। स्ट्रेच और पेन में एक फ़र्क ये होता है कि स्ट्रेच जो है वो कंफर्टेबल फील होगा, अगर आपको किसी भी किस्म का डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो वो पेन है। ज़्यादा अपनी गर्दन को स्ट्रेच वो तरफ ना करें, अवेलेबल रेंज में करें, एंड देन ऑन द ऑपोजिट साइड एंड देन ब्रिंग इट बैक। तो ये हुआ 1। फिर से ये देखिए, ऑन द राइट साइड एंड देन अगेन ऑन द लेफ्ट साइड एंड इन द सेंटर, दैट्स सेकेंड रेपिटेशन। एक ट्रिक मूवमेंट जो है, एक कॉम्पनसेटरी मूवमेंट जो हमारी बॉडीज अक्सर कर देती हैं, जिसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं, वो ये है कि ये मूवमेंट करते वक्त शोल्डर अप हो जाता है। ये देखिए, निदा ने पहली मूवमेंट में ही ये किया था लेकिन मैंने उसे करेक्ट किया, तो ये ना करें। आपका जो शोल्डर पॉइंट है वो रिलैक्स्ड होना चाहिए, वरना हमारी शोल्डर मसल्स यूज़ हो जाएंगी। हमें गर्दन की मसल्स को इस्तेमाल करना है। उसी तरह से ये तरफ आप करें तो ट्रिक मूवमेंट की वजह से इसको, मूवमेंट को कम्प्लीट करने के चक्कर में जो है शोल्डर पॉइंट ऊपर आ सकता है। इसे आप रिलैक्स रखें तो ही आप यहाँ पर स्ट्रेच फील करेंगे एंड देन कम बैक इन द सेंटर। तो ये हो गई थर्ड वेरिएशन। ये नेचुरल मूवमेंट्स जो हमारे जो नेचर ने हमें दी है, इन रेंजेस को मेंटेन करने के लिए ये डेली एक्सरसाइजेस में शामिल हो, ये बहुत जरूरी है। तो आज हमारा एपिसोड जो था वो नेक पेन के ऊपर था।
नेक पेन के हमने अलग अलग रीजंस देखे, उसके पहले हमने नेक के स्ट्रक्चर को समझा, उनकी नर्व्स, आर्टरीज, मसल्स को समझे, और फिर जो है लास्टली हमने फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज सीखी। ये सारी एक्सरसाइजेज मेरी सलाह में आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में करें तो आपके लिए बेटर होगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल फिटविट।